मेरा दावा है कि 70 साल की उम्र में भी रहेंगे आप जवान, चाहे हो उम्र की कोई भी उड़ान। मैं डॉक्टर फहद हरदानी रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम रोशनी सेंटर .com। सबसे पहले हम इस नुस्खी में शामिल करेंगे बादाम, पिस्ता और अखरोट, जो कि आपके दिल, दिमाग और मसल्स को हमेशा जवान रखेगा। फिर हम शामिल करेंगे इसमें 3 अदद बीज, जो कि आपकी सेहत की जड़ों को मजबूत करेंगे। फिर मर्दों की मर्दानगी को बढ़ाने के लिए हम शामिल करेंगे इसमें 2 तरह के छुआरे। आखिर में हम शामिल करेंगे नबवी शिफा की नीयत से अजवा खजूर और कुरानी शिफा की नीयत से अंजीर। ये कोई आम सा मिल्क शेक नहीं है, ये एनर्जी शेक है, पावर शेक है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप पूरी जिंदगी भर कभी भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल है तो हफ्ते में एक बार इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगर 40 साल उम्र है तो आपको इसे हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो हफ्ते में 3 बार इसे आप लाजमी इस्तेमाल कीजिए। आजकल टेंशन डिप्रेशन बहुत है, 7 अदद हम डालेंगे इसमें बादाम। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो उम्र के बढ़ने के साथ, ये वैसे भी आजकल हालात ही ऐसे हैं कि हर इंसान टेंशन डिप्रेशन में रहता है। जहन आपका जिंदगी के आखिरी वक्त तक जवान रहे, इस नियत से हमने शामिल की है बादाम। फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर 7 अदद पिस्ते, यानी कि ये आपके दिल की बंद शरियानों को खोलता है। दिल को हमेशा जवान रखना चाहते हैं ना, पिस्ता शामिल करेंगे हम। जहन सबसे जरूरी, दिल उससे भी ज्यादा जरूरी। ये दोनों चीजों का इंतजाम हो गया, उसके बाद आपको चलते फिरते रहना पूरी जिंदगी भर। अपनी हड्डियों जोड़ों को जवान रखने के लिए और मसल्स को टोन रखने के लिए हमेशा पट्टे रहेंगे आप पहलवानों की तरह। साथ ही साथ हम शामिल करेंगे 60 टुकड़े इसके अंदर अखरोट के। अब आती है बात जड़ों को मजबूत करने की, बुनियाद को मजबूत करने की। 3 तरह के बीज हैं जो कि आपकी सेहत की जड़ों को मजबूत करेंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसमें अलसी के बीज, जिसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 इतना है कि लोग इसकी दवाएं बना बना कर भी बेच रहे हैं। फिर जो हम दूसरा इसमें बीज शामिल करने वाले हैं वो है खरबूजे का बीज, इसे 4 मगज भी कहते हैं। ये चारों कोनों से, चारों जानिब से आपको बूढ़ा होने से बचाता है। उसके बाद हम शामिल करेंगे एक और बीज आपकी जड़ों को मजबूत करने के लिए। सेहत की जड़ों को मजबूत करने की बात कर रहे थे ना, इसमें हम शामिल करेंगे कलौंजी के बीज, यानी कि मौत के सिवा हर चीज़ की शिफा जिस चीज के अंदर मौजूद है वो है कलौंजी। ये भी हम शामिल कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर बुढ़ापे की बीमारियों का भी इलाज है। अब आते हैं हम अपनी असल बात की जानिब, जिसकी हर मर्द को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है ये 2 अदद छुआरे। आप में से ही अक्सर लोगों को एक ख्याल आता होगा, यार शादी के अंदर ये छुआरे ही क्यों बांटे जाते हैं। ये दरअसल मर्द की तवानाई को बढ़ाते हैं, मर्द को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हम 2 तरह के छुआरे, इसमें सादा छुआरा और नर छुआरा दोनों शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात यह है कि नर छुआरे को अगर आप गौर से देखिए, इसके नाम को अगर ना, तो नर छुआरे के नाम में ही नर आता है, ये मर्द को मर्द बनाने के काम आता है। इस तरीके से आप इसके छुआरों में से बीज निकाल लीजिए, इसका कचरा निकाल लीजिए, इसकी कैप रिमूव कर दीजिए। साथ ही साथ ये नर छुआरे हैं ये भी साफ की हुई रखी हुई है। साथ ही आपको दिख रही होगी मदीने शरीफ की खास नबवी नुस्खों में से एक नुस्खा, जो हम इस नुस्खे में शामिल कर रहे हैं शिफा की नीयत से, वो है अजवा खजूर। एक चीज़ यहाँ ज़रा ज़ेरे गौर है, वो है कि ये अजवा खजूर के ऊपर जो निशान आते हैं, पैटर्न्स आते हैं कुदरती बने हुए, ये है असली अजवा खजूर की निशानी। मर्द की मर्दानगी को बढ़ाने के लिए और इन मुश्किलात के हल के लिए, जिसकी वजह से मर्द अंदर से कमज़ोर हो जाता है, इसके लिए ख़ास तौर पर हमारे मुआवरीन आपकी मुआवनत के लिए रोशनी सेंटर कराची से डॉक्टर फहद हरदानी आपसे बात कर रहा हूँ। रोशनी कुव्वत मर्दा कोर्स है, इसके अंदर ऐसे ही कई नुस्खे शामिल किए गए हैं आपके लिए, आपकी तवानाई को बढ़ाने के लिए। साथ ही इसमें ज़ाफ़रान भी शामिल किया जाता है, अजवा खजूर की गुठलियाँ भी शामिल कर दी जाती हैं। हमारे कई नुस्खे, कई कोर्सेज हैं जो कि आपकी शिफायाबी के लिए roshnicenter.com पे और रोशनी सेंटर कराची में आपके लिए मौजूद हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए या हमारे मशहूर ज़माना व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। पहले हमने 3 खुश्क मेवाजात डाले आपके दिल, दिमाग और मसल्स की ट्यूनिंग के लिए, और इसके बाद हमने 3 तरह के बीज डाले हैं जो कि शामिल करेंगे आपकी जड़ों को, सेहत की जड़ों को मजबूत करेंगे। फिर हम आते हैं 2 अदद छुआरे और 1 अदद खजूर की तरफ। आखिर में हम आइए 3 दिन डालेंगे, आखिर में हम आते हैं ये है अंजीर, जो कि है ताकत की जंजीर, ये भी हम शामिल कर लेंगे इसमें 3 अदद। इन नुस्खों से कम आपकी तवानाई 3 गुना ज़रूर बढ़ जाएगी, इस यकीन के साथ मैं आपको दे रहा हूँ, इसी यकीन के साथ आप इसे इस्तेमाल करेंगे। इसको पीने का, इसको बनाने का मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊँगा। एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं वो हलवाई हूँ जो कि अपनी ही दुकान की मिठाई खाता है, किसी ऐरे गहरे की मिठाई नहीं खाता। याद रखें इस चीज़ को, इन नुस्खों से फ़ायदा उठाइए। ये जो
दो नंबर डॉक्टर्स और जाली हकीमों का जो पूरा बाज़ार गरम है ना, उससे बचिए और अपने आप को बचाइए, और दूसरों को जो लोग इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। अजीब व गरीब दो नंबर डॉक्टरों के हाथों से लोग लूटे जा रहे हैं, अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं। अब हम अंजीरे इसमें डाल चुके, अब हम इसमें अजवा खजूरें, और ये मैं आपको अभी आपके सामने तैयार करूँगा, आपके सामने इसको पी कर दिखाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं खुद ये सारे के सारे नुस्खे वो हैं जो जद्दी पुश्ती नस्लों से हमारे पास सीना बसीना हम तक पहुँचे हैं, अब आप तक वो सारे नुस्खे पहुँच रहे हैं। ये तमाम ही चीज़ें हमने इस मिट्टी के प्याले में डाल के रखनी है। मिट्टी का प्याला इस्तेमाल करना सुन्नत से साबित है, शिफायाबी का बड़ा ही इसके अंदर भंडार है। मिट्टी के प्याले के हम इसे डाल के रखेंगे और पानी से इसे कदरे ढक देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हैं इस शिफायाबी के साथ लेकर इस पानी के अंदर शामिल हो जाए, इसलिए हम एक घंटे तक इसे पानी में भिगोए रखेंगे। अब कमोबेश एक घंटा गुजरने के बाद हम तमाम चीज़ें एक जगह पे जमा कर लेंगे, हैंड ब्लेंडर से चाहे किसी ग्राइंडर वगैरह से हम इसे पीस लेंगे। इस मिल्क शेक में, ये जो मिल्क शेक है इसमें मिल्क नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि बादाम का जो आलमंड मिल्क है वो हम इसके अंदर शामिल कर चुके हैं, उसके ज़रिए से ये खुद कुदरती तौर पर अपना दूध शामिल करेगा। इस पूरे पावर शेक को, इस एनर्जी शेक को मैं आपके सामने पी कर दिखाऊंगा। याद रखिएगा मेरा जुमला कि ये जो खाएगा वो 70 साल की उम्र में भी बूढ़ा नहीं होगा। एज इज जस्ट ए नंबर, जो आप मान लेते हैं, दिल से आप तस्लीम कर लेते हैं, वही आपकी उम्र होती है। देखते जाइए, बस पूरा मुकम्मल आपको तरीका बताऊँगा। कहा ना आपसे कि मैं वो हलवाई हूँ जो अपनी ही दुकान की मिठाई खाता हूँ। वैसे भी रोशनी सेंटर की वीडियोस के हमारे जो जुमले हैं वो चोरी करके अपनी वीडियोस में शामिल करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। अब देखें इसको पीना कैसे है। आपको सिर्फ और सिर्फ पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे शिफाए भी चाहिए, 70 साल की उम्र तक जवान रहना है इस नियत से। गौर से देखिए, मैं आपके सामने आपको इसे पी कर दिखाऊँ। बस यही है आपको, क्योंकि मेरी उम्र 40 साल से ऊपर है, मुझे हफ्ते में दो दफ़ा इसे पीना चाहिए और पीना पड़ता है। इस दाढ़ी के और सर के बालों पे, सफ़ेद बालों पे मत जाइएगा। इंसान के खून का रंग लाल लाल होना चाहिए, इंसान की सेहतमंदी का लेवल अल्टीमेट रहना चाहिए। कभी भी बूढ़ा होके कमज़ोर होके इंसान को नहीं जीना चाहिए। अल्लाह ताला की नेमत है ये सेहत, इसकी हिफाजत करना और इसको बढ़ाते रहना इंसान की खुद की जिम्मेदारी है। याद रखिए हमेशा यही वो जिस्म है जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी भर हमेशा रहना होता है। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे को पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।